बंधु जेपी गिरी द्वारा प्रस्तुत छीछा लेदर नकटा नाम की कैसेट में आप लोगों ने इस नाम को सुना तो लीजिए आज हम आपके बीच में इस छीछा लेदर को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले आप ये समझ लें कि इस छीछा लेदर में है क्या। हमारे समाज की जो दशा है वो कैसी है इस बात को लेना है और इसी को छीछा लेदर में दर्शाया है। पत्नी अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करती है या अपने पति को कैसे प्रताड़ित करती है, ये चाहे उसके बिगड़ेल स्वभाव को ले ले अथवा पति की योग्यता कम पत्नी की योग्यता ज्यादा है इस रूप में ले ले, जिस रूप में आप ले। दूसरा भाव ये भी है, कुछ देवियां इस प्रकार की भी हैं जो अपने सास ससुर अपने परिवार में सही रूप से नहीं चलती हैं, उनसे तनाव रखती हैं और अपने पति को जाते जाते परिवार वालों से अलग कर देती हैं। ऐसे ही पद इस छीछा लेदर में आपके बीच में आ रहे हैं। सबसे पहले आप एक ऐसा पद देखें जिसमें किसी स्त्री का पति परदेश गया है और वो स्त्री अपने पति के लिए तड़प रही है। ये यूं समझिए, कुछ ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब द्वारिका चले आए हैं तो उस समय ब्रज की या मथुरा चले आए हैं तो ब्रज की गोप कुमारियां बिकल हैं। जो भी भाव आप लें, भाव यही है कि पति के चले जाने पर देवी किस प्रकार से बिलखती है, ये पद में भाव देखें और उसके बाद में आगे की बात समझें। लईना गयो बेई मनवा हम का लईना गयो, लईना गयो बेई मनवा हम का लईना गयो, अरे चार महीना आए गर्मी ने के, चार महीना आए गर्मी ने के, टप टप चुई पसीनवा हम का लईना गयो, टप टप चुई पसीनवा हम का लईना गयो, अरे लईना गयो बेई मनवा हम का लईना गयो। चार महीना आए बरखा के, ओ चार महीना आए बरखा के, टप टप चुई बंगलवा बैरी लईना गयो, अरे लईना गयो बेई मनवा हम का लईना गयो। चार महीना आए जाड़न के, चार महीना आए जाड़न के, थर थर का पई जियर बाबरी लईना गयो, थर थर का पै जियर बा हम का लईना गयो, अरे लईना गयो बेई मनवा हम का लईना गयो। जैसा कि हमने बताया बंधु, अपने पति से बिगड़ने के बाद या अपने पति को अपने परिवार से अलग करने के लिए
कोई भी स्त्री क्या क्या कर सकती है ये भाव इसमें दिया है। पहले तो उसने अपने पति को सिखाया कि परिवार वालों से अलग हो जा, और जब पति का रुख नहीं देखा तो एकदम कड़ाके से कहती है, अच्छा दही जरू मूछऊ खारी लेब, दही जरू मूछऊ खारी लेब, अरिया लगाई देबे घर मां। देखे बंधुओ, उस बिगड़ैल स्त्री का हाल क्या कहती अपने पति से, अगिया लगाई दे बे घर मा और अंत कहूं चली जाई बे, मुंह फूकी दे बदई के तुम्हार, मुंह फूकी दे बदई के तुम्हार, चाहे लाख कहो फिर ना आई बे, जो भला चाहो तो अलग रहो, जो भला चाहो तो अलग रहो, बरनाया बरू उतारी ले, दही जरू मूछऊ खारी ले, ध्यान दे बंधुओ क्या कहती अपने पति से, कर दे बर्रपोटिया थाने मां, वाह बारे समाज की गति, क्या कहती है अगर अलग नहीं होगे घर से, कर दे बर्रपोटिया थाने मां, नालिश कर दे कचहरी मां, चली जाब कलेक्टर बंगला, हम चली जाब कलेक्टर बंगला, मुरहू हम ठीक दुपहरी मां, अर्जी तलाक दाखिल करके, अर्जी तलाक दाखिल करके, मुंह पर दुई झाड़ू मारी दे, दही जरू मूछऊ खारी ले, जरा विचार करे बंधुओ क्या कहती है, कछु मुंह से कहियो तो घर घर, कछु मुख से कहियो तो घर घर, जो करी हो चर्चा डारी देव, जो लाल पियर आंखें करी हो, जो लाल पियर आंखें करी हो, हम काल पे दुई थप्पड़ मारीब, चप्पल के मारे मिनटन मां, चप्पल के मारे मिनटन मां, तुम्हारी आबरू उतारी ले, जरू मूछ उखारी ले, चप्पल के मारे, चप्पल के मारे मिनटन मां, तुम्हारे पूरी खन का तारी देव, कही जरू मूछ उखारी ले, विचार करे बंदो उस बिगड़ैल बीवी जिसको ऐसी देवी मिल जाए, समझ लो बैकुंठ किनारे पर है, क्या कहती है, दुई चारी गुंडबन का लगाई, दुई चारी गुंडबन का लगाई, कटवाई लेब तोहरो गटई, भला बताओ ऐसी नारी जो अपने पति से कहती कि गुंडों का लगवा करके हम तुम्हारी गर्दन कटवा लेंगे,
विचारी गुंड बन का लगाई कटवाई लेब तोहरो गटई का समझे हौ हम का तुम हूँ का समझे हौ हम का तुम हूँ कौनो औरत अटई सटई छाती पर तोहरी चढ़ी बैठब वाह ध्यान दे बंदो जिनके घर में ऐसी औरत होए भगवाने जाने उसकी का हालत हुई छाती पर तोहरी चढ़ी बैठब फूटसी खुपड़िया फारी देव दही जरऊ मुठऊ फारी ले जरा विचार करे भैया क्या कहती है जो घर मां हमें राखैचा हो जो घर मां हमें राखीचा हो तो दहेज सारा है बाकी जो घर मां हमें राखीचा हो तो यही इशारा है बाकी टोपी उतारी पायन डारो टोपी उतारी पायन डारो और हाथ जोरी माफी मांगो परना मुराऊ मरद पन की करना मुराऊ मरद पन की हम सारा गरबा ढारी देव दही जरऊ मूछ उखारी लेब अब पकड़ो पकड़ो अब कान उठो बैठो बारे बंधु देखो हालत उस बिगड़ैल बीवी की पकड़ो अब कान उठो बैठो और बकरी बनकर परे रहो पकड़ो पकड़ो अब कान उठो बैठो और बकरी बनकर परे रहो चंचल मनमानी करे देव चंचल मनमानी करे देव तुम चादर ओढ़े परे रहो लोग कुकुर का जैसे देत लोग दुई रोटी तुमका डारी देव दही जरऊ मूछ उखारी लेब विचार सुना बंधु उस बिगड़ैल बीवी का ध्यान देना है जब ऐसे ऐसे अपने पति के विचार पत्नी के विचार सुने तो वो पति साहब क्या करते हैं ध्यान दे बंधु तुम रहो चूल्हा हम बारी लेब डर गया अपनी पत्नी से जब उसने कहा कि हम इतना सारा कार्य करेंगे तेरे साथ में अगर अलग न हुआ तो पति क्या कहता है बंदो ध्यान दें अगर कोई भैया इन लोगों में से हुई हो तो अपने अपनी पहचान देख रही हो कि आप लोगों में ऐसा कितने लोग काम करते हो
तुम रहो चूल हम बारी ले फिर करना क्या है उसे बस बैठी रहो खटोल नाम बस बैठी रहो खटोल नाम जो कछु कही हो हम करी लाइब बस बैठी रहो खटोल नाम जो कछु कही हो करी लाइब हम पट्टी मा लोटा धरी आइब टट्टी माँ लोटा धरी आईब लड़का तुम्हार सोचाई देव झाड़ू लैके दोनों बेला झाड़ू लैके दोनों बेला घर बटोर बखरी झाड़ी लेब तुम रहो चूल हम बारी लेब विचार करें बंधुओं ऐसे ऐसे भी मर्द होते हैं जो देवी के पीछे इतना सारा कार्य करने को तैयार हो जाते हैं क्या कहता है वो पति तुम रूठ के जो पी हर जई हो वाह तुम रूठ के जो पी हर जई हो पुखरा मा डूबी अबई मरी हो कहता देवी अगर तुम अपने पीहर चली गई तो हम ताल पोखरा में डूब के मर जाएंगी और क्या कहता है सूरत अस बैठी रहो घर में मूरत अस बैठी रहो घर में डेली तुम्हार पूजा करीबे चरणामृत लेकर कुलवंती जय हो भैया पहचान ध्यान रखें बंधुओ चरणामृत लेकर कुलवंती तुम्हारी आरती उतारी लेब तुम बैठे तुम रहो चूल हम बारी लेब करेगा बंदो ध्यान दे चकिया पी सब सब बर्तन माँ जब चकिया पी सब बर्तन माँ जब कुइया ते लईबे जलु भरी के चकिया पी सब बर्तन मांजब कुइया ते लईबे जल भर के जाओ न कहीं हमसे लड़के जाओ न कहीं हमसे लड़के माफी मांगब पायन पर के सैंडल तुम्हारे हम पोंछ पोंछ जाओ भैया सैंडल तुम्हारे हम पोंछ पोंछ अपने पूरी खन का तारी लेब तुम रहो फूल हम बारी लेब हसी हैं सब मोर देख करके हसी हैं सब भोरई देख देख पिट जाई ताली गावन मां
कह रहा अगर तुम चली गई अगर तुम चली गई तो क्या होगा। हंसी है सब भोरई देखी देखी पिट गई है ताली गान में। तुम ओढ़ी चदरिया लो लक्ष्मी तुम ओढ़ी चदरिया जो लक्ष्मी तेहरी के बाहर धरो पाओ। हम जहर खाई के देव जान सल्फाज खाई ले हम जहर खाई के देव जान या कले कटारी मारी लेब। तुम रहो चूल हम बारी लेब। विचार करें बंधुओं क्या कहता है अपनी बेबी से। अब तुमसे हम कछु ना बोलब जवैया अब तुमसे हम कछु ना बोलब चाहे जूतियां लगाबो चाहे जूतियां लगाबो तुम। अब तुमसे हम कछु ना बोलब चाहे जूतियां लगाबो तुम। दस बीस पच्चीस चाहे लाखों दस बीस पच्चीस चाहे लाखों हमका गालियां सुनाबो तुम। नाश्ता है नाश्ता पर साधु समुझ के गालिन का जह भैया पर साधु समुझ के गालिन का हम चट्टई उनका चाटी लेब। तुम बैठ रहो तुम रहो चूल हम बारी लेब। जरा विचार करे बंधु अंग्रेजी पढ़ करके बच्चे भी अपने को भूल गए। माता पिता दादी बाबा से कैसा संबंध करना चाहिए ये भी भूल गए हम। ऐसी शिक्षा को क्या किया जाए बंधु जरा सोचे। लड़कौनू बोले बप्पा से ऐसी शिक्षा किस काम की बंधु जरा ध्यान दे। लड़कौनू बोले बप्पा से बप्पा हम हूँ करीबे शादी। बप्पा बोले कही के संग माँ बप्पा बोले कही के संग माँ बह बोले बुढ़िया दादी है। विचार करे बंधु कैसी शिक्षा है। पिता से पुत्र कह रहा है कि हम भी शादी करेंगे और वो भी किसके साथ में। पप्पा बोले कही के संग माँ बोले घर माँ बुढ़िया दादी। पप्पा बोले कर आँख लाल पप्पा बोले कर आँख लाल बेटा तू बड़ा निकम्मा है। जी संग शादी की बात करे जी संग शादी की बात करे बातों हमारी अम्मा है। घर में हो शादी बने पूरी। बाप ने कहा अरे निकम्मा जिसकी तू बात कर रहा है वो तो मेरी माँ है
लड़का क्या बोला, घर में हो शादी बने पूरी, घर माँ चली है दुई दुई चूल्हा। वाह, घर में हो शादी बने पूरी, घर माँ जली है दुई दुई चूल्हा, तुम हमारी अम्मा के दूल्हा, तुम हमारी अम्मा के दूल्हा, हम तुम्हारी अम्मा के दूल्हा। विचार करे बंधुओं, कैसी है समाज की ये रीति, शिक्षित होने के बावजूद भी कैसा व्यवहार हो रहा है। इस बात को आप जेपी गिरी द्वारा प्रस्तुत वीरभूमि नामक कैसेट से इस छीछा लेदर को श्रवण कर रहे हैं बंधुओं। घर में हो शादी बने पूरी, भक्तों वीरभूमि कैसेट के द्वारा आप लोगों ने नकटा, राम जन्म, रावण जन्म, भीम हनुमान मिलन, इन सारी कैसेटों को श्रवण किया और अब आपके सामने ये छीछा लेदर सती अनसुईया, सती सुलोचना प्रस्तुत हो रही है। विचार करें बंधुओं, घर में हो सारी बने पूरी, घर में हो शादी बने पूरी, घर माँ जली है दुई दुई चूल्हा। घर में हो शादी बने पूरी, घर माँ जली है दुई दुई चूल्हा, तुम हमारी अम्मा के दूल्हा, तुम हमारी अम्मा के दूल्हा, हम तुम्हारी अम्मा के दूल्हा।